टाइप 2 सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहां इंसान अपने सूरज द्वारा एमिट की गई सारी एनर्जी का इस्तेमाल करता है। इस वीडियो में हम उन परिणामों का पता लगाएंगे जो वे अपने टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के जरिए हासिल कर सकते हैं। हम टाइप 2 सिविलाइजेशन के गुण और लक्ष्यों के बारे में भी डिटेल से जानेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। कार्डाशेव स्केल हमें समझने में मदद करता है कि एक सिविलाइजेशन कितनी एडवांस्ड है उसकी एनर्जी कंजम्पशन को देखते हुए। जब एक सिविलाइजेशन इस स्केल पर टाइप 2 तक पहुंचती है तो वो हमारे सूरज की तरह अपने नियरेस्ट स्टार द्वारा प्रोड्यूस की गई सारी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकती है। इसको अचीव करना एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हो सकता है जिसमें सूरज के चारों तरफ एक डायसन स्फीयर बनाया जाता है, एक कॉन्सेप्ट जो पहले पूरी तरह से साइंस फिक्शन के रूप में कंसिडर किया गया था। इस डायसन स्फीयर में अनगिनत इंडिविजुअल सोलर कलेक्टर्स और सैटेलाइट्स होंगे जो हर एक इंडिपेंडेंट ऑर्बिट पर होंगे। ये स्ट्रेटेजिक तौर पर प्लेस किए गए होंगे ताकि वो मैक्सिमम सनलाइट रिसीव कर सकें और कोलिजन या और कोई प्रॉब्लम से बच सकें। सूरज से प्राप्त ऊर्जा अभूतपूर्व होगी जो पृथ्वी पर या हमारी करंट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी में किसी और तरह से प्राप्त होने वाली किसी भी चीज़ से कहीं ज़्यादा होगी। ये ह्यूज प्रोजेक्ट सिर्फ एक अमेजिंग इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं होगा बल्कि एक तरीका होगा एक टाइप 2 सिविलाइजेशन के भारी एनर्जी नीड्स को पूरा करने का। डायसन स्फीयर द्वारा कलेक्टेड एनर्जी का इस्तेमाल एडवांस टेक्नोलॉजीज को पावर देने, सोलर सिस्टम में ह्यूमन हैबिटेट्स को मेंटेन करने और यहां तक कि इंटरस्टेलर ट्रैवल को भी पॉसिबल बनाने के लिए किया जा सकता है। सुपर इंटेलिजेंट AI विशाल स्पेस मेगास्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। इस सिविलाइजेशन में सुपर इंटेलिजेंट AI को लंबी दूरियों पर ह्यूज ग्रुप ऑफ रोबोट्स को रिमोटली कंट्रोल करने की क्षमता होगी। ये AIs उनके सुपीरियर प्रोसेसिंग पावर और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज के साथ मल्टीपल लोकेशंस में एक साथ कॉम्प्लेक्स टास्क को कोऑर्डिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, वो स्पेस में डायसन स्फीयर और ओनील सिलेंडर जैसे मेगा स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस को मैनेज कर सकते हैं। मार्स और वीनस के लैंडस्केप से लेकर जुपिटर और सैटर्न के मून्स तक ये रोबोट्स सोलर सिस्टम के हर कोने में शहरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होंगे। उनकी कंस्ट्रक्शन कैपेबिलिटीज हाईली सोफिस्टिकेटेड होंगी जो ह्यूमन सेटलर्स के लिए हैबिटेबल और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट्स का रैपिड एस्टेब्लिशमेंट अलाउ करेंगे। वे प्रोग्रामेबल मैटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो शेप चेंज करके कंस्ट्रक्शन को स्पीड अप कर सकता है, जिससे महीनों का काम केवल कुछ घंटों में ही बदल सकता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में AI स्पेसक्राफ्ट और अन्य सोलर सिस्टम में भेजे गए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब्स को इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करेगा। ये प्रोब्स एक्सप्लोर करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे और फ्यूचर में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए डिस्टेंट वर्ल्ड्स को प्रिपेयर करेंगे। उनकी सेल्फ रेप्लिकेटिंग डिजाइन उन्हें गैलेक्सी में फैलने में सक्षम करेगा और सिविलाइजेशन के रीच को बड़ी मात्रा में एक्सपैंड करेगा। लेकिन जैसे जैसे ये AI स्मार्ट होते जाएंगे, उनमें से कुछ मानवता से अलग अपना रास्ता बनाने का विकल्प चुन सकते हैं और इंसानों से आज़ादी चाह सकते हैं। वे अपने खुद के रूल्स के साथ अपना खुद का सोसाइटी बना सकते हैं। ये डेवलपमेंट ह्यूमंस और AI के डायनामिक्स में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, एक मेजर चेंज जो एक साथ रहने या यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के नए तरीकों को जन्म दे सकता है। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लोग ना केवल अर्थ पर रहेंगे बल्कि उनके शहरों का स्प्रेड हमारे सोलर सिस्टम के हर कोने में हो सकता है। वीनस पर ऐसे एक सिटी को इमेजिन करें जो इसकी हार्श कंडीशंस का सामना करने के लिए केयरफुली बनाए गए हों। इन शहरों को ह्यूज एटमॉस्फेरिक डोम से शील्ड किया जा सकता है जिससे अंदर एक स्टेबल अर्थ लाइक एनवायरनमेंट बना रहे। मार्स के टेराफॉर्म के बाद यहाँ का हवा सांस लेने लायक हो जाएगा। बायोलॉजिकल ह्यूमंस बिना स्पेस सूट के मार्स के सरफेस पर चल सकते हैं। मार्स को एक ऐसे ग्रह में बदल दिया गया है जो अनेक प्रकार के जीव और पौधों की लाइफ को सपोर्ट करने की क्षमता रखता है और इसके हॉस्पिटेबल प्लेन्स में ह्यूज सिटीज होंगे और बहुत से इसके कोस्टल सिटीज भी होंगे क्योंकि अब मार्स में भी सैकड़ों फीट गहरे विशाल महासागर होंगे। जुपिटर के चंद्रमाओं में से एक यूरोपा, जिसकी बर्फीली सतह के नीचे माना जाता है कि विशाल महासागर मौजूद है, वहाँ अंडर वाटर सिटीज हो सकते हैं। ये सिटीज ट्रांसपेरेंट और प्रेशर रेसिस्टेंट मटेरियल से बनाई जाएंगी जो अजीब मरीन लाइफ के दृश्य प्रस्तुत करेंगे। टाइटन, सैटर्न का सबसे बड़ा मून, अपने थिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड मीथेन के लेक्स के साथ इसके यूनिक एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किए गए शहर होंगे। ये हैबिटेट्स मीथेन ओशन पर फ्लोट करेंगे या फिर उसके डेंस एटमॉस्फेयर में बसे होंगे और एडवांस इंसुलेशन टेक्नोलॉजीज द्वारा ठंड से सुरक्षित रहेंगे।
सैटर्न और जुपिटर के चारों ओर स्पेक्टेकुलर स्पेस होटल्स ऑर्बिट करेंगे, जिनमें मेहमानों को गैस जायंट्स और उनके रिंग्स की अमेजिंग व्यूज मिलेगी। ये होटल्स होंगे सबसे अच्छे सुपर लग्जरी स्पेस ट्रैवल के लिए और साथ ही पूरे सोलर सिस्टम में बिखरे हुए होंगे। इसके अलावा बड़े पैमाने पर रोटेटिंग हैबिटेट्स हो सकते हैं, जिन्हें ओनील सिलेंडर कहा जाता है। रोटेशन के थ्रू अर्थ के ग्रेविटेशन को सिमुलेट करने वाले इन सिलेंडरों में वास्ट इंटरनल स्पेस होंगे, जो पृथ्वी के पर्यावरण की नकल करेंगे। वे अपने ओन इकोसिस्टम, वेदर सिस्टम और अर्बन लैंडस्केप्स के साथ आत्मनिर्भर दुनिया होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन में अधिकांश लोगों के लिए सोलर सिस्टम के अक्रॉस ट्रैवल करना इनक्रेडिबली अफोर्डेबल हो जाएगा। एनर्जी इतनी प्रचुर मात्रा में और एफिशिएंटली यूटिलाइज की जाएगी कि स्पेस ट्रैवल में यह अब एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट फैक्टर नहीं रहेगा। एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स सूरज से आने वाली एनर्जी के साथ एंटी मैटर और फ्यूजन पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट को हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर सफर करने में सक्षम बना सकते हैं। दूसरी बात, स्पेस ट्रैवल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईली डेवलप्ड और वाइड स्प्रेड बनाया जाएगा। रेगुलर और एफिशिएंट लॉन्च शेड्यूल्स के साथ स्पेसपोर्ट्स उतने ही कॉमन हो सकते हैं जितने आज के हवाई अड्डे हैं। स्पेसक्राफ्ट का मास प्रोडक्शन और स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी का रिफाइनमेंट भी कॉस्ट को कम करने में मदद करेगी, जिससे ये कमर्शियल एयरलाइन फ्लाइट लेने के समान अफोर्डेबल हो जाएगा। कुछ लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों के पास अपना पर्सनल स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक वैसे ही जैसे आजकल कुछ लोगों के पास प्राइवेट एयरप्लेन्स हैं। और इसके अलावा ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट और एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स के डेवलपमेंट से एक्सटेंसिव ह्यूमन क्रूज की जरूरत को कम कर देगा, जो ऑपरेशनल कॉस्ट को और भी कम करेगा। ये स्पेसक्राफ्ट कंफर्ट और एफिशिएंसी के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस ट्रैवल आम जनता के लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। इस सिनेरियो में मून, मार्स या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट या जुपिटर और सैटर्न के मून्स जैसे दूर लोकेशंस तक सफर करना अब केवल एस्ट्रोनॉट्स या बहुत अमीर लोगों के लिए एक्सक्लूसिव नहीं होगा। ये एक वाइड रेंज के लोगों के लिए भी ओपन एक्सपीरियंस होगा, टूरिज्म और एजुकेशन से लेकर बिजनेस और साइंटिफिक रिसर्च तक के उद्देश्यों के लिए। ह्यूमन लॉन्जेविटी का कॉन्सेप्ट अनोखे ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है और भविष्य में लोग अधिक लंबा जीवन जी सकते हैं। सिविलाइजेशन के इस स्टेज में इंसान ना केवल जेनेटिक्स पर बल्कि मैटर्स और जीवन के मूल तत्वों में भी महारत हासिल कर लेंगे। नैनोबॉट्स हेल्थ केयर में क्रांति ला सकते हैं, बीमारियों को रोकने के साथ साथ हीलिंग प्रोसेस को भी तेजी से एक्सेलरेट कर सकते हैं। ऐसे विस्तारित जीवन काल से समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सदियों तक जीने की क्षमता के साथ इंसान अपनी सिविलाइजेशन के विकास को लंबी अवधि के लिए अनुभव करेंगे और उसमें योगदान देंगे। भविष्य में एक साइंटिस्ट अनेक साइंटिफिक फिनोमेना के ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज का नेतृत्व कर सकता है, जो पहले के युगों में अनुपलब्ध थे, और इस तरह की लंबी उम्र के साथ इंसान इंटरस्टेलर सफर कर सकते हैं, दूर के विशाल दुनियाओं को एक्सप्लोर और कॉलोनाइज कर सकते हैं। ये लंबी उम्र वाले एक्सप्लोरर्स और सेटलर्स ह्यूमन सिविलाइजेशन को गैलेक्सी के सबसे दूर के कोने तक ले जा सकते हैं और हमारे सोलर सिस्टम से कहीं दूर मानव उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन में इंसान सुपर एडवांस स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करके दूसरे सोलर सिस्टम्स में सफर कर सकते हैं। ये अल्ट्रा एडवांस स्पेसक्राफ्ट नियर लाइट स्पीड पर या शायद वॉर्प ड्राइव्स का इस्तेमाल करके स्पेस टाइम के फैब्रिक को बेंड करके लाइट से भी तेज सफर कर सकते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम्स होंगे, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, आर्टिफिशियल ग्रेविटी और लंबी देर तक के इंटरस्टेलर सफर के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं से इक्विप्ड होगी। एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स इन स्पेसक्राफ्ट्स के ऑनबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकते हैं, जो कि कंटीन्यूअस अराउंड द क्लॉक नेविगेशन और ऑपरेशन सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इन एक्सटेंडेड स्पेस जर्नीज के लिए हाइबरनेशन पॉड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो वर्चुअल रियलिटी इंटरफेसेस के साथ इक्विप्ड होंगे। एक नए सोलर सिस्टम में पहुंचने पर इंसान को अलग अलग प्लैनेट्स, मून्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज का सामना करना पड़ सकता है। हर एक में कॉलोनाइजेशन के लिए यूनिक अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस होंगे, कुछ इस तरह के अर्थ जैसे होंगे और कुछ को एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल और एटमॉस्फेरिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज के जरिए ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। साथ ही इंसान ये भी कर सकते हैं कि नए दुनियाओं के इर्द गिर्द स्पेस में हैबिटेट्स क्रिएट करें। ये हैबिटेट्स पृथ्वी के पर्यावरण की नकल करते हुए डिजाइन किए जाएंगे। दूसरे सोलर सिस्टम में रहकर ह्यूमैनिटी नए साइंटिफिक फिनोमेना का सामना करेगी, जो फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और बायोलॉजी में ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज की तरफ ले जा सकता है।
एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की डिस्कवरी का पॉसिबिलिटी, चाहे वो माइक्रोबियल हो या एडवांस्ड, ह्यूमन हिस्ट्री में एक गहरा मोमेंट होगा जो यूनिवर्स में लाइफ के बारे में हमारी समझ को नया आकार देगा। टाइप 2 सिविलाइजेशन में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को कुछ मिनटों में बनाया जा सकता है। जीवों का यह तीव्र निर्माण एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग्स और नैनोटेक्नोलॉजी के जरिए संभव होगा। साइंटिस्ट को जेनेटिक कोड और लाइफ के मैकेनिज्म की मॉलिक्यूलर लेवल पर पूरी समझ होगी। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके वो डीएनए सीक्वेंस को प्रिसिशन और स्पीड के साथ डिजाइन और असेंबल कर सकते हैं, जिससे स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए कस्टम जीव तैयार किए जा सकते हैं। ये प्रोसेस हाईली सोफिस्टिकेटेड नैनो फैब्रिकेटर्स या बायोप्रिंटर्स का इस्तेमाल करेगा, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सेल्स को फुल्ली फंक्शनल ऑर्गेनिजम्स में असेंबल करने की कैपेसिटी रखते हैं। ये मशीन्स इनक्रेडिबल फास्ट पेस पर ऑपरेट करेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अरेंज करके कुछ ही मिनटों में कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे। इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बड़े और वेरिड होंगे। मिसाल के तौर पर ये फूड, मेडिसिन या एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किए गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऑर्गेनिजम्स डाइवर्स एनवायरमेंट्स में पनपने के लिए इंजीनियर्ड किया जा सकता है, जिससे वे स्पेस कॉलोनाइजेशन और टेराफॉर्मिंग प्रयासों के लिए अमूल्य बन जाएंगे। और इसके अलावा ये कैपेबिलिटी प्रकृति में पाए जाने वाले जीवन से परे कम्प्लीटली न्यू लाइफ फॉर्म्स का डेवलपमेंट भी ला सकता है। वैज्ञानिक पूरी तरह से नए प्रकार के जीवों को डिजाइन कर सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं हैं। वे इन जीवों को विशेष योग्यताएं या लक्षण दे सकते हैं जो चिकित्सा, पर्यावरण को ठीक करने या मटेरियल साइंस जैसे क्षेत्रों में मदद कर सकते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन में प्लैनेटरी इंजीनियरिंग हो सकता है एक आम बात हो जाए। ये एडवांस्ड फॉर्म ऑफ टेराफॉर्मिंग प्लैनेट्स की बड़ी स्केल पर मॉडिफिकेशंस को इन्वॉल्व करेगा, ताकि वो इंसानी इस्तेमाल के लिए हैबिटेबल या बेहतर बन सकें। प्लैनेटरी इंजीनियरिंग का एक सबसे दिलचस्प पहलू पूरा प्लैनेटरी क्लाइमेट्स और इकोसिस्टम्स को मॉडिफाई करने की कैपेबिलिटी होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे प्लैनेट्स पर जहाँ इनहॉस्पिटेबल एनवायरमेंट्स हैं, हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, टेम्परेचर और वेदर पैटर्न्स को मैनिपुलेट करके अर्थ लाइक कंडीशंस बना सकते हैं। प्लैनेट्स को हैबिटेबल बनाने के अलावा प्लैनेटरी इंजीनियरिंग का उपयोग प्लैनेट्स को स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ऑप्टिमाइज करने के लिए किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर एक प्लैनेट को डेडिकेटेड एग्रीकल्चरल वर्ल्ड बनाया जा सकता है, जिसमें फूड ग्रो करने के लिए आइडियल कंडीशंस हों जो अक्रॉस द गैलेक्सी ह्यूमन पॉपुलेशंस को सपोर्ट कर सके। एक और प्लैनेट को बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है लोकल रिसोर्सेज को हार्नेस करते हुए। प्लैनेट्स को इंजीनियर करने की कैपेसिटी पूरे नए इकोसिस्टम्स क्रिएट करने और जीवन के नए रूपों के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए नया द्वार खोलता है। एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके अलग अलग प्लैनेटरी एनवायरमेंट्स के लिए यूनिकली अडेप्टेड प्लांट्स और एनिमल्स डेवलप किए जा सकते हैं। पोटेंशियली नए बायोस्फीयर्स भी बना सकते हैं जो मानव जीवन के लिए टिकाऊ और अनुकूल दोनों हैं। वो प्लैनेट्स और मून्स के ऑर्बिट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं मैसिव स्पेस बेस्ड स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करके, जैसे ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर्स या थ्रस्टर्स, जो सेलेस्टियल बॉडीज पर प्रिसाइज फोर्सेस एग्जर्ट कर सकते हैं। ये हमें उनके ऑर्बिट्स को सन के आसपास के मोर हैबिटेबल जोन में एडजस्ट करने की अनुमति देगा, जहां कंडीशंस लाइफ के लिए ज्यादा सुटेबल होंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन में क्वांटम बेस्ड इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। स्टार्स के बीच के बड़े फासले, जो हमारे करंट टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन के लिए एक बड़ा चैलेंज होते हैं, उन्हें एडवांस्ड मेथड्स और टेक्नोलॉजीज के जरिए दूर किया जा सकता है। इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन के लिए एक सबसे दिलचस्प संभावना क्वांटम एंटेंगलमेंट का इस्तेमाल हो सकता है। ये फिनोमिना जो पार्टिकल्स को एक दूसरे को इंस्टेंटेनियसली अफेक्ट करती है, चाहे उन्हें कितना भी दूर से अलग किया जाए, थियोरेटिकली कम्युनिकेशन चैनल्स बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, जो लाइट से भी तेज काम करेंगे। ये वास्ट इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस पर रियल टाइम कम्युनिकेशन को एनेबल करेगा, टाइम लैग को इफेक्टिवली खत्म करेगा, वरना दूर कॉलोनीज के बीच में कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए एक बड़ा रुकावट होगा। इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन सिर्फ डेटा का ट्रांसमिशन के बारे में नहीं होगा, ये अलग अलग ह्यूमन कॉलोनीज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले डाइवर्स लैंग्वेजेस और कोड्स को ट्रांसलेट और इंटरप्रेट करने को भी शामिल करेगा। एडवांस्ड AI एल्गोरिदम्स को सीमलेसली ट्रांसलेट और इंटरप्रेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक डाइवर्स और वाइडस्प्रेड सिविलाइजेशन इंटरकनेक्टेड और यूनिफाइड बनी रहे। सो फ्रेंड्स, कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।